हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आपको पता है कि रेडमी नोटेड प्रो की मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो करी थी कुछ टाइम पहले, और उस वीडियो में मैंने गिव अवे करा था फोन का। तो आज इस वीडियो में मैं गिव अवे रिजल्ट्स अनाउंस करने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को पूरे एंड तक देख लेना। आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम करने वाले हैं कैमरा कंपेरिजन तीन फोन के बीच में, रेडमी नोटेड, रेडमी नोट 7S और रियलमी 5 के बीच में। तीनों ही फोन 10,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में आते हैं, और ऐसे में आपके काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि आपको इन तीनों ही फोन के बीच में एक कैमरा कंपेरिजन वीडियो देखना है। तो जो भाई बोलते हैं वो करना मेरा फर्ज है, आपका भी एक फर्ज है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। अगर बात करें कैमरा सेंसर की, तो Redmi Note 7S में डुअल कैमरास का सेटअप दिया गया है, और Redmi Note 8 में क्वाड कैमरास का सेटअप दिया गया है। बट जो प्राइमरी सेंसर है वो इन दोनों ही फोन्स में एक्जैक्टली सेम है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद f1.8 अपर्चर, और सैमसंग आइसोसेल GM1 कैमरा सेंसर दिया गया है। Redmi Note 7S में 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, वेयर एज Redmi Note 8 में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मैक्रो सेंसर भी दिया गया है। अब Realme 5 में भी रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप दिया गया है, बट यहाँ पे जो प्राइमरी सेंसर है वो 12 मेगापिक्सल का है विद f1.8 अपर्चर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मैक्रो सेंसर है। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में, और कुछ वीडियो सैंपल्स भी दिखाए हैं। आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि तीनों में से किस फोन का कैमरा बेटर है। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेल, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट में 1080p 30fps पे, और डायनामिक रेंज भी तीनों ही फोन्स मतलब ठीक कैप्चर कर लेते हैं, थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। और आप देख ही सकते हो तीनों ही फोन्स एक्सपोजर भी ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। अभी ऑटो फोकस चेक कर रहा हूँ मैं, और ऑटो फोकस भी तीनों ही फोन्स में प्रॉपरली वर्क कर रहा है। स्टेबल वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए इन तीनों ही फोन्स में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है। इस टाइम पे मैं भाग रहा हूँ, और आप नोटिस करोगे Redmi Note 8 और Redmi Note 7S की वीडियो स्टेबलाइजेशन थोड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू Realme 5। अब ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं लो लाइट में 1080p 30fps पे, और तीनों ही फोन्स का ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, कोई फोकस हंटिंग इश्यूज मैंने नोटिस नहीं करे हैं। तीनों ही वीडियोज़ में थोड़ी नॉइस तो है, बट Redmi Note 8 और Note 7S की वीडियो बेटर एक्सपोज्ड है अगर मैं कंपेयर करूँ Realme 5 से। वेल, ये कुछ मैक्रो शॉट्स मैंने कैप्चर करे हैं डे लाइट में। तीनों ही फ़ोन के कैमरास में वाइड अपर्चर होने की वजह से बैकग्राउंड ब्लर तीनों ही पिक्चर्स में काफ़ी इंटेंस देखने को मिला है। फर्स्ट सैम्पल शॉट में आप कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस नोटिस कर सकते हो। Redmi Note 8 में थोड़ी सी वार्म टोन देखने को मिली है, Realme 5 में थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिले हैं, और Redmi Note 7S की इमेज में कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी नेचुरल है अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी दोनों पिक्चर से। बट जो डिटेल्स हैं वो Redmi Note 8 की इमेज में बेटर है अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी दोनों पिक्चर से। Redmi Note 7S और Realme 5 में से Note 7S की इमेज ज़्यादा शार्प आई है। Redmi Note 8 और Realme 5 में 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मैक्रो सेंसर भी दिया गया है, जिसकी वजह से आप सब्जेक्ट के काफ़ी पास जाके मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। ये वर्क भी प्रॉपरली करता है, लेकिन 2 मेगापिक्सल का सेंसर है तो डिटेल्स आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ये कुछ पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है थोड़े डिस्टेंस से। फर्स्ट सैम्पल शॉट में आप नोटिस करोगे अगेन कलर कॉन्ट्रास्ट का काफ़ी डिफरेंस है तीनों ही पिक्चर्स में, और यहाँ पे अगर आप स्काई के कलर्स देखोगे तो Redmi Note 7S की इमेज में सबसे ज़्यादा नेचुरल कलर्स देखने को मिले हैं। और नेक्स्ट सैम्पल शॉट में अगेन स्काई के कलर्स बेटर मेंटेन्ड है Note 7S की इमेज में। इवन अगर आप पोल की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो डार्क एरियाज मतलब शेडोज में जो हाइलाइट्स हैं वो बेटर मेंटेन्ड है Redmi Note 7S की इमेज में। इवन नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भी अगर आप फोरग्राउंड में ध्यान से नोटिस करोगे तो अगेन डार्क एरियाज में जो हाइलाइट्स हैं वो बेटर मेंटेन्ड है Redmi Note 7S की इमेज में। तो नो डाउट Note 7S डायनामिक रेंज थोड़ी बेटर कैप्चर कर लेता है बाकी दोनों फोन से। वेल, पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करते टाइम इन तीनों ही फोन के कैमरास एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी नेचुरल है, लेकिन Realme 5 की इमेज में आप नोटिस करोगे
वार्म टोन देखने को मिली है, येलोइश टिंट थोड़ा ज़्यादा है जिसकी वजह से कलर्स नेचुरल नहीं लगते हैं। इवन इस सैम्पल शॉट में रियलमी 5 की इमेज में मेन सब्जेक्ट थोड़ा अंडर एक्सपोज भी आया है, वेयर एज रेडमी नोट 8 और नोट 7 एस की इमेज में मेन सब्जेक्ट वेल एक्सपोज आया है और कलर कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी नेचुरल है। स्टिल रेडमी नोट 7 एस की इमेज में कलर्स ज़्यादा नेचुरल है बिकॉज मेरी टी शर्ट का जो एक्चुअल कलर है वो रेडमी नोट 7 एस ने बेटर कैप्चर करा है। इवन जो स्किन टोन्स हैं वो भी आप देख ही सकते हो कि ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली है नोट 7 एस की इमेज में, और जूम करने के बाद जो डिटेल्स हैं वो रेडमी नोट 8 और नोट 7 एस की इमेज में इनफ है, वेयर एज रियलमी 5 की इमेज में डिटेल्स थोड़ी और बेटर हो सकती थी। अब रेडमी नोट 8 और रियलमी 5 में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है और अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में दोनों ही फोन के कैमरास डायनामिक रेंज काफी अच्छी कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो स्लाइटली बेटर मेंटेन्ड है रेडमी नोट 8 की इमेज में। और दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में इमेज के सेंटर में तो डिटेल्स इनफ है बट इमेज के कॉर्नर्स पे मैंने थोड़ी डिस्टॉर्शन नोटिस करी है। अब ये पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है इंडोर लाइटिंग में, और आर्टिफिशियल लाइटिंग में रियलमी 5 का कैमरा थोड़ा स्ट्रगल करता है बिकॉज इस सैम्पल शॉट में जूम करने के बाद रियलमी 5 की इमेज में डिटेल्स मिसिंग है, वेयर एज रेडमी नोट 8 और नोट 7 एस की इमेज काफ़ी शार्प आई है और डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अब लो लाइट कंडीशंस में रियलमी 5 का कैमरा एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता नज़र आ रहा है। आप सैम्पल शॉट्स में देख ही सकते हो रियलमी 5 की इमेज में नॉइस काफ़ी ज़्यादा है अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी दोनों पिक्चर से। इनफैक्ट रियलमी 5 की पिक्चर्स अंडर एक्सपोज भी आती हैं लो लाइट में, तो अब जो कॉम्पिटिशन है वो रेडमी नोट 8 और रेडमी नोट 7 एस के बीच में है। फ्रेंकली स्पीकिंग इन दोनों ही फोन्स में कैमरा सेंसर सेम है, अपर्चर भी सेम है, तो जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी सिमिलर देखने को मिले हैं। दोनों ही पिक्चर्स में नॉइस काफ़ी कम है, पिक्चर्स वेल एक्सपोज आई हैं और डिटेल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट इस सैम्पल शॉट में जूम करने के बाद आप क्लियरली देख सकते हो रेडमी नोट 7 एस की इमेज एक्चुअली में काफ़ी शार्प है अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी दोनों पिक्चर से। अब तीनों ही फोन्स में नाइट मोड अनेबल करने के बाद रियलमी 5 की इमेज में कोई मेजर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है, इनफैक्ट एक ग्रीन टिंट देखने को मिला है जिसकी वजह से कलर कॉन्ट्रास्ट नेचुरल नहीं लगता है, वेयर एज रेडमी नोट 7 एस की इमेज काफ़ी बेटर एक्सपोज आई है एज कम्पेयर टू ऑटो मोड, बट इमेज में नॉइस भी काफ़ी इंक्रीज हो गई है। तो नाइट मोड अनेबल करने के बाद रेडमी नोट 8 एक क्लियर विनर है हमारे पास बिकॉज रेडमी नोट 8 की इमेज बेटर एक्सपोज तो आई है एज कम्पेयर टू ऑटो मोड, इवन इमेज में नॉइस भी काफ़ी कम है अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी दोनों पिक्चर से। वेल फ्लैश ऑन करने के बाद तीनों ही पिक्चर्स में नॉइस तो रिड्यूस हो गई है बट जो कलर कॉन्ट्रास्ट है और जो डिटेल्स हैं वो बेटर देखने को मिली है रेडमी नोट 8 और नोट 7 एस की इमेज में। वेल ये कुछ सेल्फीज मैंने कैप्चर करी है डे लाइट में, और फर्स्ट सैम्पल शॉट में अगर आप बैकग्राउंड में ध्यान से नोटिस करोगे तो तीनों ही पिक्चर्स में जो स्काई के कलर्स हैं वो ब्लोन आउट हो गए हैं, तो डायनामिक रेंज तीनों ही फोन के कैमरास काफी एवरेज कैप्चर करते हैं, बट नेक्स्ट सैम्पल शॉट में रियलमी 5 ने एक्सपोजर बेटर एडजस्ट करा है जिसकी वजह से अगर आप मेरे फोरहेड की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो रेडमी नोट 8 और रेडमी नोट 7 एस की इमेज में मेरा फोरहेड ओवर एक्सपोज हो गया है। अब जो डिटेल्स हैं वो तीनों ही पिक्चर्स में इनफ हैं, स्टिल जूम करने के बाद रियलमी 5 और रेडमी नोट 7 एस की इमेज में डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन रेडमी नोट 8 की इमेज बाकी दोनों पिक्चर से ज़्यादा शार्प आई है। वेल इन तीनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से आप पोर्ट्रेट सेल्फीज काफ़ी इंप्रेसिव कैप्चर कर सकते हो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तीनों ही फोन के कैमरास एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं और मेन सब्जेक्ट पे डिटेल्स भी इनफ है। बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा और नेचुरल हो सकता था बट प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। अब लोलाइट कंडीशंस में तीनों ही सेल्फीज में डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिली हैं, इनफैक्ट तीनों ही पिक्चर्स वेल एक्सपोज्ड भी आई हैं, बट रियलमी 5 की इमेज में नॉइस ज़्यादा है अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी दोनों पिक्चर से। और डिस्प्ले फ्लैश ऑन करने के बाद रियलमी 5 में एक इशू है कि इस फ़ोन की डिस्प्ले फ्लैश प्रॉपरली वर्क नहीं करती है जिसकी वजह से ना तो नॉइस रिड्यूस हुई है और मेन सब्जेक्ट अंडर एक्सपोज भी आया है। रेडमी नोट 8 और रेडमी नोट 7 एस की इमेज क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, नॉइस भी रिड्यूस हो गई है और कलर कॉन्ट्रास्ट भी वेल मेंटेन्ड है। अब फाइनली बात करें अगर गिव अवे रिजल्ट की तो रैंडम कमेंट पिकर के थ्रू एक विनर का नाम आपके सामने आ जाएगा। ये मैंने वीडियो का लिंक कॉपी कर लिया है,
और इस वेबसाइट पे मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है। अब ऑलमोस्ट 5,000 कमेंट्स हैं, लेकिन विनर होगा कोई एक और मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ। मतलब 5,000 में से कोई एक नाम सामने आने वाला है, और जो विनर का नाम है वो है तपस दे। तो तपस भाई, बहुत जल्द मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और आपका फोन बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।